नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज के एजेंडा में हम बात करेंगे अन्नदाता की, उस किसान की जो हार्ड मास्क का पाकर चाहे ठंड में हो या गर्मी में पूरी तरीके से चिलचिलाती धूप झेल कर खेती बाड़ी करता है, पूरी तरीके से मेहनत करता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? क्यों किसान हमारे देश का अभी तक बेचारा बना हुआ है? क्यों किसान पर इतनी सियासत होती है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आता है? क्या मिल बंद होने से, क्या मिल मालिक के गिरफ्तार होने से या प्रशासनिक अधिकारी के दावे से कुछ अभी तक हो पाया है? किसान ने चीनी दी, मिठास आपको दी, लेकिन आपकी दिन की शुरुआत जो चीनी के साथ हो रही, कहीं ना कहीं वो करवाहट के रूप में एक टर्न ले रही है। कारण ये है कि किसान करोड़ों का नुकसान झेल रहा है, उस पर कई करोड़ों का कर्ज है। कारण ये है कि मिल जो हैं वो ऑपरेशन लॉस से जूझ रही हैं, लेकिन आखिर बेचारा किसान इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर जाए तो जाए कहाँ? वो किसान जिसको लेकर हर इलेक्शंस में दावे किए जाते हैं, खासतौर पर मैनिफेस्टो में वो नंबर वन रहता है। इसी पर आज का एजेंडा। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, क्यों? चूंकि साल भर किसान मेहनत करता है तो उसके खेत में जो हरियाली छाती है, जो लहलहाती फसल दिखती है, वो उसकी मेहनत का नतीजा है। मेहनत वो करता है, खेत में गन्ने की फसल लहलाती है, चीनी आपके किचन तक पहुंचती है, चीनी का स्वाद आपकी खुशहाली जीवन में लेकर आता है। कोई भी त्यौहार हो, मिठास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन क्या गन्ने का किसान भी उतना ही खुशहाल है? सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद के मोदी नगर का आज खबर आई है और उसमें हमने बताया कि किसानों का बकाया नहीं देने पर शुगर मिल के अधिकारी की गिरफ्तारी हो गई। मैनेजमेंट ने मिल बंद कर दी और किसान अपना गन्ना लेकर सड़क पर खड़े हो गए। सवाल ये भी है कि आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ पर? अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले अपने दर्शकों को हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका परिचय पहुंचा देते हैं। रायपुर से हमारे साथ प्रिय शरण त्रिपाठी साहब हैं, जो कि किसान नेता है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कुलवीर दीवान और इसके साथ गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा, अनुराग चड्ढा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे हम। कुलवीर दीवान से बात करेंगे कि पंजाब, जहाँ पर किसान एक समय में संपन्न थे, आज वो बदहाली का जीवन जी रहे हैं। और इसके अलावा प्रिय शरण त्रिपाठी से जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन लॉस का हवाला देकर इतनी सब्सिडी खा चुकी मिल, वो बंद क्यों हो रही हैं और किसान अभी तक लाभान्वित इतने वायदों के बाद हुआ क्यों नहीं? लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। खेतों में लहलहाती ये फसल किसानों को पहली नजर में खुशहाल करती है। साल भर जब किसान खेतों में पसीना बहाता है तो तैयार होती है गन्ने की फसल। पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए गन्ने की ये फसल इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस फसल से किसानों की जिंदगी चलती है। लेकिन किसान के खेत से निकलकर जब ये फसल मिल तक पहुंचती है तो क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हंगामे की इन तस्वीरों को देखिए। ये हंगामा गाजियाबाद के मोदी नगर में मोदी शुगर मिल के बाहर हो रहा है। हंगामा कर रहे ये लोग किसान हैं। ये वही किसान हैं जिनकी बदौलत चीनी मिलों का कारोबार चलता है। मिल मालिकों की दौलत दिनों दिन बढ़ती है, लेकिन आज यही किसान हंगामा करने को मजबूर हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस हंगामे की वजह क्या है। मोदी नगर की इस शुगर मिल पर किसानों का 200 करोड़ रुपए का बकाया है। जिन किसानों ने पिछले सीजन में मिल को गन्ना बेचा, वो आज भी अपनी मेहनत का पैसा वापस पाने के लिए मिल के चक्कर काट रहे हैं। किसानों के बकाए का मामला कोर्ट तक पहुंचा, पुलिस जागी और आखिरकार मिल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनके शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर मिल वालों ने मिल बंद कर दिया, लेकिन मिल बंद करने से पहले जिला प्रशासन को या प्रदेश सरकार को ये सूचना देनी चाहिए थी किसान को, अगर आप मिल में बुग्गी लेके मत ना आओ, हमारा गन्ना तुला मिल चले किसी में भी चलवाओ। जिला प्रशासन ने हमसे ये कहा, अब ऊपर से हम पे दबाव आ रहे हैं, इसलिए अब हमें डिस्टिलरी खोलनी पड़ेगी, 1 करोड़ रुपए में डिस्टिलरी खोल दी। अब की बार भी जिला प्रशासन जो है फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठ रहे उनका, अभी 1 घंटे बाद में फोन आएगा। अब लखनऊ से हम पे दबाव पड़ गया, लखनऊ से दबाव पड़ रहा था इन किसानों को, या तो समुद्र में फेंक दो, नहर में फेंक दो, रेल के नीचे काट के फेंक दो, हमारा ये कहना है।
कोर्ट के फैसले और पुलिस की सख्ती के बाद अफसर की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि आखिर किसानों को उनका बकाया कब मिलेगा? क्या सिर्फ एक अफसर की गिरफ्तारी से शुगर लॉबी डर जाएगी? आखिर चीनी मिल के मालिकों को कानून का शिकंजा क्यों नहीं कसता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसान की जिंदगी में गन्ने की मिठास कब आएगी? अनुराग चड्डा, इंडिया 24/7, गाजियाबाद। अनुराग के पास पहले चलते हैं। अनुराग, आपको नहीं लग रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों का किसान, जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है, मैनिफेस्टो में उनके लिए वायदे किए जाते हैं, वो ही सबसे ज्यादा अपनी परेशानियों से जूझता दिख रहा है? जी बिल्कुल निहारिका, अगर हम इस सत्र की मैं आपको बात बताऊं तो पेराई सत्र नवंबर में शुरू हो जाता है और उसके बाद जो गन्ना जो खेत में पैदा होता है उसको मिल तक पहुंचाना होता है, लेकिन पूरा का पूरा जो पेराई सत्र है वो बर्बाद हो गया और जो किसानों का जो गन्ना था वो कोल्हू पर गया और बिल्कुल उसकी जो औनी पौनी कीमत थी वो किसानों को मिली है। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के तमाम किसान हैं और किसान नेता सतपाल चौधरी भी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो गन्ना किसानों की बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार कौन और सरकार को इसमें किस तरीके का रोल निभाना चाहिए। सतपाल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि आप भी किसानों की जो लड़ाई है उसको काफी बुलंद करते आए हैं, तो जो बकाये की स्थिति है वो क्या है, अभी आंकड़ों पर नजर डालें तो? अगर हम देखिए पिछले साल का और इस साल, पिछले सत्र का और इस सत्र का दोनों मिलाएंगे तो 250 करोड़ के करीब अकेले मोदी शुगर मिल पे है और 5,500 करोड़ रुपए पिछले पेराई सत्र का उत्तर प्रदेश पे की चीनी मिलों पे बकाया है। और इस साल क्योंकि अभी रेट घोषित हुआ है, सरकार ने जो किसान विरोधी सरकार है इसने अभी घोषित किया है और वही घोषित किया है जो 2012 में पुरानी बीएसपी की सरकार के कार्यकाल में रेट था गन्ने का 280 रुपये, तो उस इस साल का भी मिलना भी शुरू नहीं हुआ। छह बार ऑर्डर आ गए हैं, आदेश आ चुके हैं हाई कोर्ट के कि गन्ना किसानों का तत्काल। सबसे बड़ी बात यही है कि हाई कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो अधिकारी को नींद खुलती है और ना चीनी मिल मालिक आप लोगों को पेमेंट करते हैं। कोई कर ही नहीं रहा पेमेंट जी, रात दिन जो है उनके पीछे भागे फिर रहे हैं, लेकिन जो है कोई मतलब नहीं बन रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी। आपको क्या लगता है कि चीनी मिल मालिकों से मिली भगत है? नहीं जी, मिली भक्ति नहीं है जी, हमारे सब कारोबार सब बंद है और शादी उदी सब बंद है और हम पैसा हमने मिलता नहीं है, हम कहाँ से जाएं, जो हम अन्य वो मिलों वालों को दे रखी है। बिल्कुल अनुराग, ये अधिकारियों की गिरफ्तारी से क्या चीनी मिल मालिक सबक सीखेंगे? चीनी मिल तो ऑपरेशन लॉस को लेकर बंद हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है, किसान परेशान है, उसने बैंक से कर्ज लिया है और वो कर्ज तले दब चुका है, मुआवजे के चेक आते हैं 20-25-27 रुपए के, आपने भी खबर यहाँ पर भेजी थी। हम सीधे रुख करते हैं पंजाब का, कुलबीर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियशरण त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे रिपोर्टर्स जो रिएक्शन दे रहे हैं उस पर ही आपसे कमेंट करें तो बेहतर है, लेकिन सबसे पहले हम कुलबीर दीवान का रुख करते हैं, पंजाब के चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलबीर, पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स के कारण जाना जाता है, हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा गवाह है और अपने संपन्न किसानों के कारण ये कहीं जाना जाता था, लेकिन आज वहां के किसान या तो रेल रोक रहे हैं या फिर व्हाइट फ्लाई से जूझ रहे हैं, क्या कारण है? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है निहारिका, जो किसानों के साथ वादे किए जाते हैं, चाहे वो चुनावी मौसम की बात करें या फिर और भी समय समय पर जो पार्टी सत्ता में आती है कहीं ना कहीं किसानों को प्रलोभन देती है, लेकिन हकीकत यही है निहारिका के किसानों को अपने हक के लिए आखिर सड़कों पर आना पड़ता है। और हाल ही में पंजाब में एक बड़ा आंदोलन जो है किसानों का वो देखने को मिला था, जब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में घिर गई थी सरकार भी और उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी आई थी, लेकिन हकीकत यही है निहारिका के किसान जो है वो लगातार अपनी फसल को लेकर या फिर सरकार द्वारा जो वादे किए जाते हैं उनके पूरा होने को लेकर उसको संघर्ष करना पड़ता है और उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनकी तरफ कहीं ना कहीं सरकार की जो बेरुखी है वो बनी रहती है, जिसकी वजह से सरकार जो किसान है आज काफ़ी मायूस है और आत्महत्याओं के मामले में भी यदि पंजाब को देखा जाए तो पंजाब का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी बदौलत हर आए दिन सरकार घिरती है सवालों के घेरे में, विपक्ष उस पर हमला करता है, उसके बावजूद भी सरकार की नींद जो है वो नहीं खुलती। जी निहार, क्या कुलबीर आप हमारे साथ बने रहे, हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। प्रिय शरण जी, ये जो समस्या है हमारे रिपोर्टर ने किसानों के जरिए बताई है, इस समस्या से क्योंकि आप किसान नेता है दो चार होते होंगे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में मौजूद है, ये धान का कटोरा है या किसानों की कब्रगाह? एनसीआरबी की रिपोर्ट तो यही कहती है, छत्तीसगढ़ जो राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था वहां के किसान भी क्यों परेशान है। और हमारे सहयोगी अभी मैं उनसे विस्तार से इस टॉपिक पर समझ रही थी तो उन्होंने बोला कि मुआवजे के चेक
बताते हैं तो 20-25 रुपए के, और एमएसपी का जो रेट बढ़ता है वो उसके जो किसान के लॉसेज हैं उसको ओवरकम करने में मदद नहीं करता है, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी निहारिका जो महत्वपूर्ण बात है, मतलब ठीक है सरकारें सोई हुई हैं, मगर इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न जो मैं लगातार अब किसान आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ और किसानों की जो हालत देख रहा हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान के पास में नेतृत्व बहुत आक्रामक नहीं है, और किसान के पक्ष में किसान नेता उस तरह का पक्ष नहीं रख पाते। अभी आपको देखिए कि छत्तीसगढ़ में करीब करीब 17 जिलों, मतलब 18 में से 13 जिलों में सूखा पड़ा है, और 40% रेट बढ़ा है किसानी का, मतलब इसमें बीज है, उर्वरक है, मजूरी है, ये सारा का सारा बढ़ा है। और उसके बाद आप देखिए कि सूखे की बात है, और उसके बाद आप देखिए कि किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, किसान पर्ची के लिए, खरीद पर्ची के लिए भटकते रहते हैं, किसानों को पेमेंट्स नहीं होती, अपनी मर्जी से वो करते हैं, किसानों को 7-15 दिन अपनी अपनी जो फसल है वो खेतों में रोक कर रखनी पड़ती है। कुल मिलाकर यहां देखें तो किसान बड़ा दयनीय है, इससे अगर वो बच जाए तो फिर बैंक की किश्तें पटानी होती हैं, इंटरेस्ट पटाना होता है, उससे बच जाए तो उसे अपने अधिग्रहण से बचना होता है, इन दिनों में छत्तीसगढ़ अधिग्रहण के चंगुल में भी पड़ा हुआ है, इससे बच जाए तो फिर वो अपने बच्चों को पालता है। कुल मिलाकर के किसान के हाथ में एक पेड़ होता है, सूखा पेड़, उसे लटकने के लिए एक रस्सी होती है, ये स्थिति है। मगर निहारिका जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि किसान वो महत्वपूर्ण आदमी है जिसको आज नेता हाशिए पर रखा है, मगर जिस दिन किसान अपना एक अन्न देने के लिए सत्याग्रह कर ले कि हम अन्न नहीं देंगे, तो शायद नरेंद्र मोदी और अमन सिंह जी को भी आकर के वो अन्न लाइन में लग करके किसान से खरीदना होगा। शायद यही महत्वपूर्ण बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और इसी कारण वो हाशी पे है। मैं आपको बताऊं कि हम एक बड़ा किसान आंदोलन सत्याग्रह के रूप में शुरू करने जा रहे हैं, और वेद का एक मंत्र है, अन्नदुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, हर राजा को अन्न की कीमत देनी होगी, क्योंकि राज्य के मूल में अन्न है, और यदि हम अन्न नहीं देंगे तो सरकार चलना मुश्किल होगा। असल में किसानों का प्रतिनिधित्व आक्रामक तौर पर नहीं हुआ और सही आंदोलन नहीं चला, यदि होता तो ये गन्ने की चावल आंदोलन चले, क्रांति चली, लेकिन आपके मुताबिक इसका कोई नेतृत्व लेने वाला सही नहीं था, वो पॉलिटिकल एजेंडा फिर बाद में सामने निकल कर आ जाता है। लेकिन कोई भी आंदोलन हो, हम ये अपने मन से ये नहीं कहेंगे कि वो हिंसा के रास्ते पर चले। हमारे साथ भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरिराम वर्मा साहब है लखनऊ से। वर्मा साहब, क्या होना चाहिए ये बताइए, कि क्या ये नियति बन गई है कि मिलें लगातार बंद होती चली जाएंगी और किसान बाहर हंगामा करेंगे, कर्ज तले दब जाएंगे, क्या किसी की अधिकारी की गिरफ्तारी से या सरकार के एमएसपी बढ़ाने से कुछ हल निकल पाया है? देखिए, ऐसा है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, किसान अन्न का दाता है फिर भी भूखा प्यासा है। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि सरकारों की नियत में खोट आ गया है, और जब आदमी की नियत में खोट आ जाता है तो वो काम नहीं करने की स्थिति में होते हैं। भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में जहाँ जहाँ भी संगठन है पूरा आंदोलन कर रही है अपनी मांगों को लेकर। अभी आपने एक बात कही थी कि हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, हम हिंसक रूप नहीं अख्तियार करेंगे। मैं आपको बता दूं, गन्ना मूल्य भुगतान और गन्ना का रेट ना बढ़ाए जाने को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हम पहली तारीख को मेन हाईवे सब जाम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम हाईवे पर बैठेंगे शांतिपूर्वक। जो जरूरी चीज़ें हैं, मिलिट्री के वाहन, एम्बुलेंस, जो इस तरीके की चीज़ें हैं उनको हम निकलने देंगे और सारे हाईवे जाम करेंगे, और जाम करने के बाद में हमारी मांग प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी मांग, हमारी समस्या को अगर कोई लेखपाल पटवारी सुन लेता है, हाँ, वो आ जाए, हम उससे बात करेंगे। हाँ। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा कि वार्ता कर लिया, किसान चले गए। अभी हमारे साथी कह रहे थे तमाम अच्छे आंदोलन नहीं हुए। हाँ। देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने देश में इतने बड़े आंदोलन किए हैं, हजारों किसान शहीद हुए, लेकिन शहादत के बाद भी हमें क्या मिला? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके हित की बात कर ले वर्मा साहब, तो आप उनको वोट दे देते हैं, किसान उसका वोट बैंक बन जाता है, लेकिन जब वायदे पूरी तरीके से नहीं होते तो आप ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। कोई बीच का रास्ता है कि मिल भी ना बंद हो, किसान भी परेशान ना हो?
नहीं, आप एक बात बताओ, जब 26 रुपया किलो चीनी का रेट था, हाँ, तब भी 280 रुपया रेट किसान को मिल रहा था उत्तर प्रदेश में। आप हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहाँ 300 रुपया मिल रहा है। हाँ। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत छोटा प्रदेश है, वहाँ 305 रुपये मिल रहा है। मतलब कहाँ उत्तर प्रदेश में, अभी छत्तीसगढ़ की बात चल रही थी। मैं जो सरकारों, हाँ, सरकार की अगर नियत, जैसे आपने कहा कि मील भी ना बंद हो, किसान भी जिंदा रहे, उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि किसान अगर गन्ना उत्पादन नहीं करेगा, हाँ, तो ये फैक्ट्री नहीं चलेगी। हाँ। जिस दिन फैक्ट्री मालिक की, सरकार की ये सोच आ जाएगी कि नहीं, हमको गन्ना किसान को भी जीवित रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एमएसपी नहीं बढ़ी है, खबर हमने भी पढ़ी है कि लगातार चुनावी मौसम में एमएसपी बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है। मिल कह रही है कि ऑपरेशन लॉस, ऑपरेशनल लॉस हो रहा है, वो बंद हो रही है, लेकिन किसानों के साथ ठगी हो रही है। अनुराग से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग, आपके साथ जो किसान बैठे हैं, क्या वो चाहते हैं कि मिल बंद हो जाए? क्या वो ये मानते हैं कि किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी से या मिल बंद होने से उन्हें किसी तरीके का प्रॉफिट होगा? देखिये निहारिका, 2012 में गन्ना के फसल के रेट बढ़े थे, और लेकिन जो रेट बढ़े थे उसका सही दाम भी समय पर किसानों को नहीं मिल पाता। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है एक अधिकारी की चीनी मिल के, तो आपको लगता है सतपाल जी कि अब किसानों को किसी तरह की उम्मीद जगेगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है उससे। दरअसल चीनी मिल मालिक एक कर्मचारी को इसलिए तैनात रखते हैं अपने यहाँ पे कि जरूरत पड़ने पे उसको जेल भिजवाया जा सके। तो यदि जेल भेजना था तो मालिक की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए था। हम भी जेल में बंद रहे हैं किसान आंदोलनों में, हमारे साथ कई जीएम बंद थे वहाँ पे, वो कहते थे साहब मालिक की नौकरी कर रहे हैं हम, तो जब दबाव पड़ता तो हम लोग आगे आ जाते हैं। अच्छा, आप बताइए बाबा जी, आपको लगता है कि जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद आप लोग कुछ राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी, कोई गिरफ्तार का तो काम ही नहीं है इसमें, वे तो अपना लौट रहे हैं, हम मर जाओ यहाँ। निहारिका, एक सबसे अहम सवाल यह भी है कि जो पश्चिम यूपी के गन्ना किसान है, उनकी सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की रहती है। उनका कहना है कि अगर चलो एक बार दाम जो सरकार ने तय कर दिया वो तो कम से कम समय पर मिल जाए, लेकिन उनका जो दाम है वो समय पर नहीं मिल पाता। कुछ और जो किसान है वो हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि पश्चिमी यूपी में किस तरीके से राजनीति हावी हो रही है किसानों पर? ये सब गवर्नमेंट की मिली भगत है, नाटक करते रहे, हमको किसान का पैसा देना ही नहीं है। तो निहारिका, एक सवाल ये भी है, हरिनाम जी, अनुराग जो अनुराग ने जो रिएक्शन पहुंचाया उसी पर आपका कमेंट है, ये मिली भगत कब तक चलेगी भाई? जब पैदावार नहीं होगी किसान आत्महत्या कर लेगा, पूरा घर उसका खाली हो जाएगा, तब किसी को हल मिलेगा क्या? देखिए निहारिका जी, सबसे पहले एक मैं इसे क्लियर कर दूं कि जो हमने अभी चर्चा की, हमने कहा कि किसान सत्याग्रह करेगा, किसान हिंसक नहीं। महात्मा गांधी से किसी उसका ने हाल क्या है, कुछ हुआ अभी तक उससे? ये बताइए कि देखिए, सच बात यह है कि किसान आंदोलन का एक ही एजेंडा है कि सरकारें, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी ये इस बात को समझे कि किस तरह से किसानों को प्रायोरिटी पे सुरक्षित किया जा सकता है। हाँ। अगर किसान जिंदा रहेगा तो देश का पेट भरेगा, इसलिए ये एक तरह का हम चाहते हैं। हाँ। कि सरकारें इसको एजेंडा बना करके, मिशन बना करके और किसानों को सुरक्षित। जी, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पर जरूर है, और शायद किसान अब इसको समझ रहे हैं। जो 25 से 27 रुपए का चेक पाकर इसे बेईमानी समझते, एक पटवारी तक को रिश्वत खिलानी पड़ती है। हरिनाम जी, क्लोजिंग कॉमेंट आपकी तरफ से। देखिए, ऐसा है, ये जो सरकारें करें, सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के साथ में, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे किसी भी स्टेट का किसान हो। हाँ। किसानों के साथ बैठ के किसान नीति बननी चाहिए, और जब तक किसानों के लिए किसान नीति, आप बताओ, इतना कृषि प्रधान देश में कृषि विभाग नहीं है। हाँ। मतलब कृषि मंत्री नहीं है, उसको कृषि को अलग अलग बांट दिया गया। 70% निवास करने वाला इस भारत में, जहां सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश था, यहां पर कृषि मंत्रालय अलग होना चाहिए था। ठीक है। और वो इस तरीके जैसे देश की कुर्सी प्रधानमंत्री है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा अलग होना चाहिए था। नीति निर्धारण जिनके लिए किया जा रहा है उनके साथ बैठकर होना चाहिए, यानी कि आपका यही कहना है। राहुल गांधी अभी गए थे बुंदेलखंड, 8 साल में 7वीं पद यात्रा थी। नरेंद्र मोदी NH 2414 लेन किया गया था, तब उन्होंने गन्ना किसान की बात की थी। यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, वहां की गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में, या फिर छत्तीसगढ़ जहां पर राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहां के मैनिफेस्टो
लिस्टों में किसान है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर राजनीतिक प्रतिबद्धता जागे, क्योंकि किसी भी गिरफ्तारी से जो है कोई असर नहीं होगा। किसान मालामाल नहीं हो रहा है, किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है, वो परेशान जरूर हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की कि अन्नदाता निराश है, परेशान है, ना पेट में दाना है ना खेत में पानी है। आप सभी सम्मानित मेहमानों का धन्यवाद। अनुराग, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दी, आपके साथ लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद। इसी के साथ आज का एजेंडा में अन्नदाता की हमने बात की, पैन इंडिया। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी इंडिया 24/7 पर।